कॉफी। नमस्ते साहब, शमशाबाद एरिया कलेक्शन। कितना? 1.5 करोड़ रुपया सर। करोड़ अपने अकाउंट में डलवा दिए, 50 MLA को दे दे। ठीक है सर, चलता हूँ सर। क्या है भाई, पाव परसेंटेज पे चालू करके पूरे 0.25% लपेट रहे हो। बुड्ढे को डाउट हुआ तो तुम तो आउट हो जाओगे भाई। तो फिर पूरा अपने अकाउंट में लेने के लिए फ्रेश प्लान बना रहा हूँ। फिर से प्लान बना रहे हो? हाँ। क्या हुआ? हे, क्या हुआ तुम्हें? सपना क्या हुआ डॉक्टर? शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट है? चंदू, सपना प्रेग्नेंट है। हाँ? वो दोनों प्यार करते थे, इसीलिए ये हो गया। चलकर दया से मिलते हैं। दया है क्या? भाई अंदर हैं। हाँ भाई, इधर ही है। मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा, एक मिनट रुको, कोई आ रहा है। दया से मिलना है। भाई मीटिंग में है, आप लोग कौन है? मॉर्निंग भाई। भाई सपना और उसके फ्रेंड्स आए। बुला लो। ठीक है भाई। वाओ। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। एई, अरे अचानक से बैठो, नायडू कॉफी भेजो। ठीक है भाई। क्या रे, सडनली तू इतना बड़ा आदमी बन गया? MLA धनंजय साहब ने अपने सारे बिजनेस का इंचार्ज मुझे बना दिया है, इसीलिए ये घर, ये स्टेटस। ज्यादा बिजी होने की वजह से तुम लोगों को बता नहीं सका, बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी कामयाबी से तो हमें खुशी होगी ना, है ना? दया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या है? सपना अब मां बनने वाली है। तो अब जितना जल्दी हो सके तुम शादी कर लो। क्या हुआ दया, क्या सोच रहे तुम? अब शादी ना? ओके, कब करनी है? वो तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहोगे तभी। उसकी शादी के लिए मेरी मर्जी क्यों? क्या मतलब, शादी तो तुमसे होगी ना? ए, लव में डेटिंग वगैरह के बाद वॉमिटिंग करना, ये तो आम बात है ना। इस बात को तुम लोग शादी से क्यों जोड़ रहे हो, बताओ मुझे।
देख, तू मैं सपना और श्री बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तुमने सपना के साथ ये सब करके अब उसे इग्नोर कर रहे हो, ये गलत है यार। क्या गलत है यार, मजे तो हम दोनों ने एक साथ लिए ना, इसे मजा चाहिए था इसलिए इसने हाँ बोला, ना बोलती तो कब का छोड़ देता। यू चीट। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो गई थी। जो लड़की सच्चा प्यार करती है उसे बदले में सच्चा प्यार ही चाहिए, समझे तुम? बस थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए, उसके लिए तुम लोग जो कुछ भी कहते हो हम सुनते हैं, करते हैं, उसका फायदा और नुकसान नहीं सोचते हैं, वही हमारी वीकनेस है। औरत जब प्यार करती है तो जान दे देती है, और जब धोखा खाती है तो जान ले भी सकती है। सपना, वो पहले से ही दुखी थी और इसने उसे। चुप हो जाओ, उस बारे में बात मत करो। सीरियस है, लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया है, मिनिमम 10 लाख का खर्चा हो सकता है। सब मैं देख लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई। दया, दया, सपना का एक्सीडेंट हो गया यार, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। यस। जो मैंने चाहा वो ऊपर वाले ने किया, वो मुझे मारना चाहती थी। दया, सपना के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तू एक बार चलना। ये एक्सीडेंट किसने किया जानते हो? अरे उस गाड़ी का नंबर AP-36-2838, वो सब बाद में देखेंगे, तू चलना यार। किस लिए? किस लिए? सपना मौत से लड़ रही है, उसे कुछ भी हो सकता है, तू चलना प्लीज यार। तो फिर ऐसा मत बोल यार, प्लीज यार। क्या है ये, इस पछड़े में मुझे क्यों डाल रहा है? उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं या तू? सुन, तुझे पर्सनली कुछ चाहिए हो तो बोल, कर दूंगा। तेरे करियर के लिए कुछ चाहिए हो तो तुरंत अरेंज कर दूंगा, लेकिन उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की सोचेगा तो। नायडू, इसे बाहर निकालो। ए, ए, दया, चल निकाल। सुन, दया उसका कोई नहीं है रे, दया से मत कर, दया छोड़ो मुझे, दया।